नथिंग लाइक दैट। वो बोलेगा ये बंदा तो फोड़ेगा, इसको तो मैं इंटर्नशिप दे के ही रहूंगा, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में चले जाते हैं, पैसे कमाते हैं, राइट? वही है ना, जो ज्यादा मेहनत करते हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ेंगी। फर्स्ट ईयर में भी इंटर्नशिप करी हुई है, सेकंड ईयर में भी करी हुई है, थर्ड ईयर में करी हुई है। जब नौकरी का टाइम आएगा, तुम ज्यादा ब्रेक ले लेते हो, ज्यादा चिल मार लेते हो, तो फिर पढ़ाई का मन नहीं होता। हाय, मायसेल्फ पारेख हियर। सो यार, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अ कंप्लीट रोड मैप फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो यार, बहुत सारे लोग हैं हमारे चैनल पे जो अभी अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, एंड फर्स्ट ईयर इज द डिफिकल्ट ईयर बिकॉज तुम एकदम स्कूल से निकल के एकदम कॉलेज लाइफ में जा रहे हो, तो और पता नहीं होता है मुझे क्या करना है। बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, तो तुम्हें समझना होता है कि मुझे, मेरे लिए क्या चीज अच्छी है, मेरे लिए क्या चीजों में मैं अच्छा कर सकता हूँ, उस चीजों के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें थोड़ा डिसीजन लेने होते हैं। तो यार, अगर तुम्हारे को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो तुम फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग में तुम्हें क्या क्या कर लेना चाहिए, मिनिमम कितना कर लेना चाहिए कि ये तो कर ही लो, और मैक्सिमम जो कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा, सो दैट तुम्हारे को फर्स्ट ईयर के बाद कोई रिग्रेट ना हो, तुम्हारे को ये हो कि हाँ यार, इतना मैंने कहा था एंड इतना तो मैंने कर लिया, तो आई एम एट अ डिसेंट लेवल आफ्टर माई फर्स्ट ईयर, है ना। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर है, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में मेहनत करके आए हो। देखो, कुछ लोगों को बहुत अच्छे कॉलेज मिले होंगे, कुछ लोगों को मीडियम लेवल के मिले होंगे। द गुड पॉइंट इज प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा, एक थोड़ा बहुत पड़ता है, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कॉलेजेस से, स्किल्स से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ना। अगर अच्छा कॉलेज भी नहीं मिला, बट हम स्किल्स में 4 साल में अच्छे से काम करेंगे, तो भी हम एक अच्छी कंपनी में जॉब, अच्छे स्टार्टअप में जॉब निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कॉलेज नहीं अच्छा मिला तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे कॉलेज वाले लोग को तो ऑब्वियसली ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट मेहनत उन्हें भी करनी होगी, है ना। तो मेहनत सबको करनी होती है, इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जो आज मैं बताने वाला हूँ वो चीजें मिनिमम कर लेना, सो दैट उसके बाद तुम्हारे को फर्स्ट ईयर के बाद रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करूंगा मैं रोड मैप, उससे पहले बस एक दो रिक्वायरमेंट है। पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दिया करो, ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। कुछ लोग सीनियर लोग देख रहे हैं, अगर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, उनके भी मैंने रोड मैप बना रखे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तुम वो वाले चेकआउट कर सकते हो, या फिर बेसिकली अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर देना। देखो, वो थोड़े डरे हुए होते हैं, उनको थोड़ा शेयर करो और उनकी हेल्प करो। यार, एंड तक रहना वीडियो के, है ना, तभी तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि यार हमें क्या क्या करना है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे व्यूअर्स हैं, वीडियो सारी देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, हमारे को भी सपोर्ट करो, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू एज वेल, ठीक है। तो रोड मैप की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, अच्छे से स्टार्ट करते हैं। देखो यार, फर्स्ट ईयर में अगर तुम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं कहूंगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नाम की चीज है, उसको कर लेना एक मिनिमम। और मैक्सिमम इज, मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी कर लिया, कुछ ना कुछ कर लिया, बट आउटपुट इज यार मैं इंटर्नशिप के लिए रेडी हो गया, राइट? कि फर्स्ट ईयर के बाद मैं फाइट मार सकता हूँ इंटर्नशिप पाने के लिए, मेरे पास स्किल्स है वो, तो मैं मैक्सिमम के कॉर्सिंग बताऊंगा, बट एक मिनिमम मैं कहूंगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के नाम की चीज है, जो हमें बहुत, अगर हम फर्स्ट ईयर में कर लेंगे तो हम बहुत सही लेवल पर होंगे। तुम चाहे सेकेंड ईयर में जाओ, थर्ड ईयर में जाओ, फोर्थ ईयर में जाओ, डीएसए तुम कर ही रहे होंगे, तो अगर हम जितना जल्दी कर लेंगे उतनी हमारे बाकी साल थोड़े आसान हो जाएंगे, हम बाकी चीजों पे काम कर पाएंगे, अगर हम डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पर ही फर्स्ट ईयर में काम कर लेंगे, है ना। और मैं उसमें आता हूं कि हमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स जो भी फर्स्ट ईयर में, तो हमें करना क्या है उसमें, करना क्या होता है। देखो यार, सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में एक लैंग्वेज पकड़नी होती है, वो C++, जावा, पाइथन। अपना टाइम वेस्ट ज्यादा मत करना, बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कौन सी लैंग्वेज करूं, बहुत ज्यादा लोड मत लेना। 11th एंड 12th में अगर C++ पढ़ी थी, नहीं भी पढ़ी थी तो भी ऑप्शन है, डरना मत। पढ़ी थी अगर और सही लगी थी तो C++ में ही प्रोग्रामिंग करना चालू रखना। और जो 11th एंड 12th के मिथ में बैठे हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा सीखा था, देखो वो कुछ भी नहीं है, अभी हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छा होना है, तो उसमें मैं आऊंगा, हमें क्या करना है। 11th एंड 12th वाला बिल्कुल बच्चों वाली चीज थी, उसमें अपना घमंड मत रखना, ठीक है। दूसरी बात, जिन्होंने नहीं करी है प्रोग्रामिंग पहले से, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैं था, मैंने नहीं करी थी 11th और 12th में, तो मैंने जावा के थ्रू प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी। एक मीडियोकर पार्ट होता है, और थोड़ा C++ टफर होती है लैंग्वेज टू स्टार्ट विद, जावा मीडियोकर होता है, तो जावा से स्टार्ट कर लो और उसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सिंटैक्स से हमने ट्राई करा, एक दो बारी जावा में भी करा, डर रहे हैं, तो पाइथन चूज कर सकते हो। सीख किसी में भी सकते हो, बट जल्दी सीखना शुरू करना, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना है। तो जैसे ही लैंग्वेज पिक करी, उसके तुम बेसिक्स करोगे। बेसिक्स में क्या होता है कि यार, लूप्स क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लाइक कोड करना सीखते हैं, बेसिकली अपने लॉजिक को थोड़ा कन्वर्ट करना सीखते हैं कोड में, वो हमें सबसे पहले एक लैंग्वेज के थ्रू सीखना होता है ना।
बेसिक एरेज की क्वेश्चंस करोगे, बेसिक स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन करोगे, ये तुम लगाओगे आई थिंक इसमें एक दो दो महीने लग सकते हैं, और उसके तुम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करोगे, पैटर्न के क्वेश्चंस करोगे, ये तुम्हारे एक एक से दो महीने लग सकते हैं इसको प्रैक्टिस करने में। ठीक है, देखो यार मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ फर्स्ट ईयर में थोड़ा चिल भी मारो, बट थोड़ा थोड़ा एक डेढ़ घंटा पढ़ते रहो जिससे कि तुम्हारा मोमेंटम बना रहे, ऐसा ना हो कि बाद में पढ़ाई का मन नहीं हो रहा। होता है ऐसा, तुम ज्यादा ब्रेक ले लेते हो, ज्यादा चिल मार लेते हो, तो फिर पढ़ाई का मन नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, लाइक एक दो महीना लग के हमने लैंग्वेज सीख ली, हमने थोड़े बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, अब जो तुम्हारा मेन पार्ट आएगा वो आएगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीखते हो कि हमें मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस में सॉल्व करना है क्वेश्चन, फिर एरेज में थोड़े क्वेश्चन करते हो, स्ट्रिंग्स में करते हो, लिंक लिस्ट में करते हो, स्टैक्स, क्यूज, बाइनरी ट्रीज, बीएसटी, हैश मैप, प्रायोरिटी क्यूज, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एल्गोरिथम्स लाइक रिकर्शन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सब ये सारी चीजें पढ़ते हो, इन सब के कॉर्सिंग 20 से 30 क्वेश्चन करते हो हर टॉपिक के। और अगर हमारे से पढ़ना चाहते हो तो हमारे पास कोर्सेज भी हैं, उसमें हमने कर रखा है, या हमारे पास फ्री के गाइडेड पाथ्स हैं जो कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, बेसिक के भी हैं, बेसिक लैंग्वेज अगर हमें कोई भी सीखनी है, और अगर हमें डीएसए वगैरह के करना है तो उसके भी गाइडेड पाथ्स हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो बिल्कुल फ्री है, वो प्रैक्टिस वाइज के लिए फ्री है, अगर तुम्हें लर्निंग करनी है तो कोर्सेज भी हैं, वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। डीएसए में हमें क्या क्या करना है, हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, जैसे 11th एंड 12th में प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वैसे ही प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स किस लिए काम आता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। एक ही प्रॉब्लम में शायद एरे भी लग सकता होगा, लिंक लिस्ट भी लग सकता होगा, स्टैक भी लग सकता होगा, हमें एबिलिटी बनानी है, हम पहचान पाते हैं इसमें स्टैक लगेगा या इसमें लिंक लिस्ट लगेगा, राइट, दिस इज द बेयर मिनिमम। और इसमें आई थिंक लाइक मुझे पर्सनली 6 से 8 महीने लगे थे, तुम्हें शायद तुम ज्यादा टाइम दोगे, मैंने क्योंकि मैंने भी थोड़ा फर्स्ट ईयर में चिल मारा था, बट अगर तुम थोड़ा सा ज्यादा टाइम दोगे तो 3 से 4 महीने में भी सीख सकते हो, वरना 5 से 6 महीने में तो पक्का अच्छे से सीख ही लोगे। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 300 से 350 टोटल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 20 से 30 प्रॉब्लम हर टॉपिक की करते हैं, एंड दैट इज वॉट वी डू टू मेक श्योर कि हम फर्स्ट ईयर में ये अच्छे से कर लें, बिकॉज ये तो हमें जिंदगी भर काम आना है। तो अगर हमने ये 300 से 350 प्रॉब्लम कर ली, अगर फर्स्ट ईयर पूरा चिल मारा है, तो बस इतना मैं बोलूंगा ये चीज कर लेना जिससे कि तुम डीएसए रेडी हो जाओ, दिस इज द मिनिमम यू शुड डू इन योर फर्स्ट ईयर। ये तो हो गया कि हमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स तो पक्का अच्छे से करना है इन अवर फर्स्ट ईयर। ठीक है, इतना भी कर लोगे तो डिसेंट लेवल पर होगे, बट अगर तुम्हें को ज्यादा मेहनत करनी है, लाइक तुम्हारे को अब कॉलेज अच्छा नहीं मिला, शायद हमने 11th एंड 12th हमने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करा और हमें अब कॉलेज में अच्छे से काम करना है, तो यार फर्स्ट ईयर के 6 महीने हमने डीएसए सीखा, बाकी 6 महीने बचे हैं, राइट, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज, देखो थोड़ी थोड़ी कॉम्पिटेटिव स्टार्ट कर सकते हो टू मेंटेन द फ्लो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म्स है कोडशेफ, कोडफोर्सेस, वहां पर कॉन्टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, उसमें थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, राइट, 1 से 2 महीना लग के हम एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नंबर थ्योरी के, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, सेगमेंट ट्री के, फेनविक ट्री के, ये सब कुछ कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, जिससे कि वो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है वो रहे, वरना क्या होगा डीएसए कर लिया अभी आप टूट गया फ्लो, तो वो मत तोड़ना, थोड़ा थोड़ा कॉम्पिटेटिव सीखो आफ्टर योर लाइक आफ्टर योर कंप्लीटिंग योर डीएसए, थोड़ा थोड़ा कॉम्पिटेटिव करो, 1 से 2 महीना करो, एंड देन मूव ऑन टू द बेस्ट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट इज डेवलपमेंट। कॉम्पिटेटिव को क्या कर देंगे हम 1 से 2 घंटा डेली कॉन्टेस्ट दे रहे हैं और बाकी टाइम हम डेवलपमेंट सीखने में लगा रहे हैं। देखो अगर तुम डेवलपमेंट वाली चीज सीख लोगे तो तुम्हारे फर्स्ट ईयर के बाद ही इंटर्नशिप के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इंटर्नशिप इतना वैल्यूएबल होता है, वो एक्सपीरियंस तुम्हारे को जब फर्स्ट ईयर में भी इंटर्नशिप करी हुई है, सेकंड ईयर में भी करी हुई है, थर्ड ईयर में करी हुई है, जब नौकरी का टाइम आएगा बोलेगा भाई इसके पास तो इतना सही एक्सपीरियंस है, अच्छी जॉब्स लगेंगी, स्टार्टअप्स हायर करेंगे, कंपनीज हायर करेंगी, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। वही है ना, जो ज्यादा मेहनत करते हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ेंगी, राइट, तो वही एक चीज है। अगर तुम्हें लगता है फर्स्ट ईयर में चलना है कर लो, सेकंड ईयर में करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही, राइट, तो तुम्हें अगर डेवलपमेंट सीख लोगे, जो 1-2 महीना कॉम्पिटेटिव कर लिया, अब हम बेसिकली कॉन्टेस्ट आता है 1-2 घंटे कॉन्टेस्ट देते हैं, बाकी टाइम हम डेवलपमेंट सीखते हैं। डेवलपमेंट में क्या क्या सीख सकते हैं हम, हमारे पास वेब डेवलपमेंट होता है, हमारे पास ऐप डेवलपमेंट होता है, या फिर एक मशीन लर्निंग नाम की चीज होती है। ये 3 जनरली मेन डोमेन्स होते हैं जिसमें तुम एक्सप्लोर आउट करके बहुत बढ़िया बढ़िया अमेजिंग चीजें बना सकते हो। अभी तुमने क्या करा प्रोग्रामिंग का पार्ट, तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो गए हो, नाउ यू विल डू सम क्रिएटिव थिंग्स, शायद मैं वेबसाइट अच्छी बनाऊंगा तो मैं वेब डेवलपमेंट सीखूंगा, यार मुझे ऐप बनानी है, एंड्रॉयड ऐप्स, आईओएस ऐप्स, ये ज्यादा अट्रैक्ट करती है मुझे, तो मैं शायद ऐप डेवलपमेंट में अच्छा करूंगा, या फिर
यार मैं मशीन लर्निंग सीखना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा ना समझना चाहता हूँ ये अमेजोन का रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे चलता है, फ्लाइट्स का रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे चलता है, तुम्हारी 11th एंड 12th में जेई रैंक्स आ गई ढंग से प्रेडिक्टर कैसे चलता है, सबके पीछे थोड़ी थोड़ी मशीन लर्निंग लग रही है। इन तीनों को अगर हम देखें और हमें क्या एक्साइट करता है उस डोमेन को हम पकड़ सकते हैं। अगर समझ नहीं आता, माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी हाईली वेब डेवलपमेंट। क्यों? वेब डेवलपमेंट तुम्हारे को फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चीजें सिखा देता है। जब मशीन लर्निंग भी अगर तुम्हें बाद में सीखनी पड़े तो तुम अपनी वेबसाइट पर अप्लाई कर पाओगे। ऐप डेवलपमेंट में क्या होता है, पीछे डेटा कहां से आएगा वो अगेन तुम्हें थोड़ी वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए। तो अगर स्टार्ट करना है, समझ नहीं आ रहा, कोई बहुत ज्यादा आइडिया खास नहीं है, तो वेब डेवलपमेंट सीख लो। फ्रंट एंड सीखो, HTML, CSS, JavaScript, राइट, बेसिक फ्रंट एंड सीखो, लाइक 2 से 3 महीने उसमें लगेंगे। फिर तुम बैक एंड सीखो कि डेटा पे कैसे काम करते हैं, राइट, क्रिएट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, एक बेसिक सा Node.js के फ्रेमवर्क से कर सकते हो, Django विद पाइथन से कर सकते हो, Ruby on Rails से कर सकते हो, फ्रंट एंड में भी कोई फ्रेमवर्क सीख सकते हो, Angular, React, आई थिंक 6 महीने लग के अगर तुम ये सीखोगे और जब इसमें एक डिसेंट सा प्रोजेक्ट बना लोगे तो तुम्हारी वेब डेवलपमेंट, अपनी वेबसाइट है मेरे पास, उसको मैंने लाइव कर रखा है, उसको मैं रेज्यूमे पे डालूंगा, मेरे इंटर्नशिप के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं स्पेशली, उनको क्या चाहिए भाई, बंदा वेबसाइट पे काम कर लेता है, हाँ कर लेता है, फर्स्ट ईयर में फर्क नहीं पड़ता यार, बंदे को काम करना आता है। तो वेब डेवलपमेंट में अगर हमने वेबसाइट सीख ली फ्रंट एंड बैक एंड विद फ्रेमवर्क्स, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया फ्रंट एंड में, बैक एंड में नोड जेएस हो गया, जैंगो विद पाइथन हो गया, कोई सा भी एक पकड़ लो, बट ढंग से एक वेबसाइट कैसे वर्क करती है, मैं एक कुछ टाइप करता हूं तो पीछे से डेटा आता है, ये सब अगर हम करना सीख लेते हैं तो हम बहुत अच्छे लेवल पे होंगे। फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्नशिप भी नहीं लगी अगर बाय चांस, तो हम अपने एक जो हमने प्रोजेक्ट बनाया होगा वेबसाइट में, उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं कि यार इस वेबसाइट में मैं ये वाला फीचर भी ऐड कर देता हूँ, ये वाला फीचर भी ऐड कर देता हूँ, उस पर तुम काम करते रहोगे। सो दिस इज द पाथ यू कैन एक्सप्लोर इन टर्म्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। अगर तुम्हारे दिमाग में मुझे ऐप बनाना है, सिमिलरली तुम ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो। माई पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी हाईली कि या तो रिएक्ट नेटिव या फ्लटर, ये चीजें सीखना, बिकॉज इससे क्या होता है आजकल की एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप दोनों बन जाती हैं, राइट। कुछ कुछ चीजें हमें बाद में सीखनी पड़ेंगी, शायद कुछ कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो केवल एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल हैं या iOS के लिए अवेलेबल है, तो वो डिफरेंट चीज है, बट आजकल ये चीजें काफी ज्यादा चल रही हैं। और अगर तुम्हारे को मन नहीं, मुझे तो एंड्रॉयड ऐप ही बनाना है, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख लो कॉटलिन में, राइट, या iOS डेवलपमेंट का ही मन है, मुझे तो iOS ऐप ही बनाना है, मुझे तो ब्रांडेड रहना है, तो वो कर सकते हो, यू कैन चूज। बट क्या करना है थोड़ा सा लाइट कि हम बेसिकली ऐप में बेसिक चीजें होती है, फ्रेगमेंट्स कैसे होता है, थोड़ी टेक्निकल चीजें पढ़ सकते हो कि ये सब हम कैसे बनाते हैं, स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले होता है, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में कैसे जाते हैं, ये सब चीजें ऐप डेवलपमेंट में करोगे। अपनी एक ऐप बनाना और उसको लाइव करना, वो लाइव का जब प्ले स्टोर का लिंक डालोगे और बोलेगा कि भाई फर्स्ट ईयर का बंदा और प्ले स्टोर पे ऐप है, नथिंग लाइक दैट, वो बोलेगा ये बंदा तो फोड़ेगा, इसको तो मैं इंटर्नशिप दे के ही रहूंगा, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा, राइट। नहीं भी वेली तो हम उस ऐप पे समर्स में काम कर सकते हैं आफ्टर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि तुम कितने अच्छे स्टेज पे हो, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स भी आता है, तुम्हें डेवलपमेंट भी आती है, यू आर अमेजिंग इन प्रोग्रामिंग, राइट। अब तो तुम एक्सपीरियंस ले लेके बस सीखते चले जाना और बहुत ग्रो कर जाओगे। सेकेंड ईयर में भी काम करोगे, थर्ड ईयर में भी काम करोगे, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में चले जाते हैं, पैसे कमाते हैं, राइट। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या, लाइक पीपल हैव गिवन यू द प्रोजेक्ट, तुम्हें वो कंप्लीट करना है, कॉलेज के साथ साथ मैनेज करके लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट में कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट में कर रहे हैं, या फिर मशीन लर्निंग में कर रहे हैं। मशीन लर्निंग में भी अगर सीखना है तो तुम बेसिकली बेसिक से स्टार्ट करोगे, एल्गोरिथम्स पढ़ोगे, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, 3-4 महीने अच्छे से सीखोगे कि बने बनाए प्रोजेक्ट पे काम करोगे, फिर 2-3 महीने लग के अपने प्रोजेक्ट पे काम करोगे, उसमें तुम गिटहब पे डालोगे, राइट, अपनी वो रेपो को और इंप्रूव करोगे, उस पर स्टार रेटिंग लाओगे, ओपन सोर्स में तुम कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे, फ्रीलांसिंग, ओपन सोर्स, ये सब चीजें अगर हमने कर ली अपने फर्स्ट ईयर में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं तुम्हारे को। वो सेकेंड ईयर का रोड मैप और थर्ड ईयर का रोड मैप उसके बाद देखना है। अगर तुमने ये चीजें कर ली तो तुम्हें सेकेंड ईयर में क्या करना है उसमें मैंने बता रखा है। जिसने डीएसए और डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर में कर ली उसको क्या करना चाहिए वो चीजें तुम देख सकते हो। आई थिंक यू हैव एवरीथिंग टू डू, मैंने पूरा बता दिया है क्या क्या कर सकते हो फर्स्ट ईयर के बाद, बिल्कुल स्क्रैच से एकदम बताया है कि पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, फिर डेटा स्ट्रक्चर सीखो, फिर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करो। अगर ये कंप्लीट कर लेते हो, दैट इज द मैक्सिमम यू कैन डू इन योर फर्स्ट ईयर, तुम्हारे इंटर्नशिप के चांसेस बढ़ जाएंगे, लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और उसको फर्स्ट ईयर पे रेडी कर देंगे, फिर हम सेकेंड ईयर में फ्रीलांसिंग, ओपन सोर्स, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और हमारी अमेजिंग कॉलेज लाइफ होने वाली है।
क्योंकि स्किल्स हमारे पास होंगे, हमारे को जॉब से डर नहीं लगेगा क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में इतना काम कर चुके हैं कि सेकेंड और थर्ड ईयर आसान होने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक रोड मैप था फर्स्ट ईयर का। मैंने कोई पॉइंट मिस करा हो, कोई और तुम्हारा क्वेश्चन हो, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर दैट। तुम्हारा कोई फीडबैक हो कि यार ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, वो भी मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर दैट। कोई और वीडियो के रिकमेंडेशन हो वो बता दो कमेंट बॉक्स में, हमारी रिक्वायरमेंट है। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जिससे तुम्हें करना शेयर करो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। ठीक है, आई होप दिस रियली हेल्प्स। अगेन रिपीटिंग, सेकेंड ईयर वालों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, थर्ड ईयर वालों के लिए डिस्क्रिप्शन में है। तुम लोगों ने अगर फर्स्ट ईयर का ये देख लिया, ये चीजें करने के बाद तुम सेकेंड ईयर वाला भी देख सकते हो और अच्छे से पढ़ो, एंड ऑल द रियली बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ। ओके, चिल मारो बट थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो और बहुत मजा आएगा तुम्हें कॉलेज में। ओके, थैंक यू।